अंदर आना यार। वो कहाँ पे होगी? कौन? तेरी जोरा? हाँ, वेरी ब्यूटीफुल। चला तो बैठ। खाला, सलाम। खाला जी। वालेकुम सलाम। यही है खाला जिसकी मेहरबानी से बाली के सांस चल रहे हैं। माँ सदके जिंदा रहो पुत्र, अल्लाह तुझे बड़ा अजर देगा। अजर तो खाला जी सैदू को मिलेगा जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, या फिर पावे के कारवालों को मिलेगा जिन्होंने मौके पर बाली की सजा माफ कर दी, या फिर जेलर की बेटी को। अल्लाह जानता है खाला जी, उस रात वो नासपास ना करती तो हवालात में बहुत याद किया है इसने आपको। मौत के वो सारे दिन आपका नाम लेकर जिए हैं इसने। कोई और गल कर यार। क्यों, अब शर्म आती है? अच्छा जोरा जी, ये हंसता भी है, है? मैं तुमसे कहने आया हूं कि तुम्हारे थीसिस के लिए बाली का नाम जरूरी नहीं है। मतलब? मतलब तुम इकबाल का नाम लेकर किसी बाली से नहीं मिलोगे। ओह, मेरी बात को सीरियसली लेना होगा माँ। मेरे पापा सुपरिटेंडेंट जेल हैं यावर कमाल साहब। मैंने कैदियों को देखते हुए बचपन गुजारा, मुझे उनकी बेबसी पर तरस आता है। साफ साफ बात करो। साफ बात यह है यावर कमाल साहब कि डिक्टेशन बेबसों को दी जाती है और मैं कभी बेबस नहीं होती।
हमारे खानदानों में अपने रवाज हैं। हम आबरू और वकार की बात करते हैं। मैं जानती हूं आप सिर्फ आबरू और वकार की बात करते हैं। प्लीज माम, प्लीज यावर कमाल साहब। अपना मुबारक। ये बाली रिहा तो हो गया पुत्र, पर मुझसे मिलने नहीं आया। शोदा तबीयत का अखड़ लगता है। 10-15 दिन की रेस्ट दी है उसे, रेस्ट जरूरी हो गई थी। तुझे पुत्र जी वर्कर के मतलब का नहीं पता। वर्कर का मतलब है वर्क कर, यानी के वर्कर को हर वक्त वर्क करते रहना चाहिए। ये रेस्ट की इजाजत कोई बहुत ही फराख दिली नहीं हो गई मुबारका? और इलेक्शन सर पे है पुत्र। एक बात तो पक्की है बाजी, अब वाली के वोट नहीं टूटते। ये तो पता कर ले मुबारका कि जिसके वोट नहीं टूटते वो तुझसे जुड़ा भी हुआ है कि नहीं। मतलब? मतलब ये पुत्र जी के सियासी वर्कर जज्बाती होता है, हर काम बौता करता है। काम करे तो बौता, इश्क करे तो बौता। बैठिए साहबिया। डॉक्टर के बोर्ड ने रामस के बारे में बड़ा ही इजी सोल्यूशन दिया है। क्या नाम है उस लड़के का जिसे फांसी होने वाली थी? बाली। उसे रामस के सामने ले आइए। डॉक्टर्स का ख्याल है कि बाली को देखते ही वो रिस्पॉन्ड करेगा। रामस के सामने बाली को कौन लाएगा? जोरा, मुंह क्यों लटका हुआ है? इतने दिनों बाद कॉलेज गई है, खुश क्यों नहीं है पुत्र? वो जो रामस है ना अम्मा, अस्पताल में है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तुम्हें पता है रामिस, तुमसे बात करके मैंने बात करना सीखा है। और सुना है अब तुम यूं ही चुप रहोगे? तुम चुप रहोगे ना रामिस? तुम्हें कसम खाकर कहती हूं, सुरैया बतूल के अंदर खोई हुई मां हमें कभी नहीं मिलेगी। बोल नहीं सकता, झूठी गवाही देने का नतीजा। तो फिर मैं क्यों बोल रही हूं अम्मा? तू भलिए कॉलेज ना जाया कर, 24 जमातों में गुजारा कर। वो अस्पताल में अम्मा, डॉक्टर कहते हैं वो मर भी सकता है। डॉक्टरों के कहने पे भलिए ना तो बंदे जीते हैं और ना मरते हैं, अल्लाह खैर करेगा। मैं उसे मिलने जाऊंगी। सीधी तरह बोलना,
अंदर वाली बात ये है। बेटा यावर कमाल, और मैं ऐसी बदकिस्मत हूं कि मां होते हुए भी मेरी दुआओं में असर नहीं। शहर में क्या एक ही डॉक्टर है जिसकी ओपिनियन को सनद मान लिया जाएगा? 6 डॉक्टरों के बोर्ड का ओपिनियन है। मतलब कोई इलाज नहीं है? एक इलाज है, लेकिन वो मेरी औकात से ज्यादा महंगा है। क्या बात करती हो अमशिरा, तुम खर्चा बताओ तिजोरियों के मुंह खोल दिए जाएंगे। यही तो रोना है यावर कमार कि उस इलाज पे पैसे नहीं लगते, सुरैया बतूर का वकार दांव पे लगता है। मतलब? डॉक्टर कहते हैं बाली को उसके सामने आना पड़ेगा ये साबित करने के लिए कि वह जिंदा है। तो इसमें मुश्किल ही क्या है? पकड़कर सामने ले आता हूं उसे। दावर कमाल जिंदा होता ना तो वो तुमसे कहता, तुम बाली को नहीं जानते। हयात अहमद, अब तुम पछाड़ने लग गए हो हयात अहमद, अंदर आओ। मैं तो पहचानने लग गया हूं, अब आप भी मुझे पहचान लें। मैं हयात अहमद हूं, लंडे बाजार में पुराने कोट बेचने वाला। 10-10 रुपए, 10-10 रुपए, 10-10 रुपए, 10-10 रुपए। बड़े सालों बाद मुझे लगा है कि 10 रुपए भी बड़े कीमती हो गए। उसे प्यार से कह देना खाला, वो उसको मिलने नहीं जाएगी। उसने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला, तुझे सहारा देकर घर के अंदर ले गया,
तुझे बिठाया, तुझे पानी पिलाया। इसका मतलब है ना पहचानने की गलती आंखों ने की है, खून ने तो खून को पहचान लिया है। आंखों को पहचानने में कितनी देर लगेगी मास्टर साहब? पर मैंने उसकी आंखों को कभी बाप की राह देखते हुए नहीं देखा, इसलिए ठीक से कुछ नहीं कह सकता। उसे सूरज ने कह दिया होगा कि हयात अहमद मर गया है। नहीं वह हयात अहमद नहीं, जब वो मरण जोगी खुद आंखों के दीवे बाल कर बैठी रही है तो फिर बाली से क्यों कहती कि बाप की राह ना देखना। मास्टर साहब अभी दो चार दफा उससे मिलो, मुलाकात अभी रहने दो। तुमने भी मुझे पहचान लिया है, तुम कौन हो? रंजन। ओए, ओए तुम रंजन हो? मेरे कंधों को छूकर भी एहसास नहीं हुआ कि मैं रंजन हूं। मेरे कंधों से आज भी पुराने कोटों की बू आती है। हयात अहमद साहब, बू तो मेरे कंधों से भी आती है पर मैंने उसे परफ्यूम की खुशबू में छुपा दिया है। हाल की खुशबू में कमाल कैसा भी हो हयात अहमद साहब, वो मासी की बदबू को मार नहीं सकती। बाली से मुलाकात हुई? बाली से मिला हूं, मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हुई तो कयामत होगी हयात अहमद। कयामत के डर से तो मुलाकात की खुशी को टाल देता हूं। कोई दुआ करे कि मुलाकात हो तो मुझे बाली को अपने गुनाहों का हिसाब न देना पड़े। आपकी नूह की तस्वीर है बाजी। मुबारका, मैं खाना खराबा तुम्हें शादी कर लिया। शादी नहीं कर ली, शादी करनी है इस लड़की से। तुम लगा तो अभी
अख लड़ी है अशके भाई अशके एड़क बड़ा है। आओ जी नू जी अशके भाई अशके। अब पुत्र जी इनका असब नसब कोई ना पता वगैरह वगैरह। सुपी टंडर जेल असद वरियो की बेटी है यावर कुमार की मंगेतर। पूछो बेटा। अब पूछना ये है पापा कि आपके और मेरे रिश्ते में आप बाप ज्यादा हैं कि दोस्त? तुम्हारे और मेरे रिश्ते में बेटा मैं माँ ज्यादा हूं। तो फिर पापा सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी माँ से तो मैं चुपके से कान में कह सकती हूँ कि मामा मैं यावर कमाल से शादी नहीं करूंगी। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में मैनु यादां तेरियां आउंदियां ने मैनु यादां। कब तक तुम परदेस रहोगे आओगे ना खत लिखोगे मैं गुट गुट कर जा दे दूंगी फिर तुम किसको जान कहोगे ढूंढोगे जंगल बेले में हर बस्ती में हर मेले में गावोगे यही अकेले में मैनु यादां तेरियां आउंदियां ने मैनु याद। दरवाजा मैंने खुला ही छोड़ दिया था पुत्र जी। आपने मेरी दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। और इसीलिए अभी रात को सूट पहना हुआ। जा मेरा पुत्र जाके कुछ टिले टाले कपड़े पहन दिमाग का फतूर कटे। शादी मैं उसी लड़की से करूंगा बाजी। नहीं तो नहीं तो नहीं करनी। शाबाश शाबाश है भाई मुबारक शाबाश है। वैसे पुत्र जी मुझे भी इस बात का यकीन तेरी मां के मरने के बाद आया था कि शादी वड्डे अकलमंद की वड्डी बेवकूफी होती है। जा मेरा पुत्र जा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर और मेरी तरह ऊंची आवाज में कहा सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में मैनु यादां तेरियां आउंदियां ने मैनू यादां। आहा
हाय जवानी है। मुझे कहा गया है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। मैंने कहा है इसलिए कि तुम फ्यूडल से नफरत करती हो। मैं फ्यूडल्स की फितरत से नफरत करती हूं। एक ही बात है मां, एक ही बात नहीं है। बुरा होने में बुराई नहीं है यावर कमाल, फितरतन बुरा होने में बुराई है। जिससे मोहब्बत नहीं होती है वो हर तरह से बुरा लगता है। मैं हैरान हूं इंसानों से नफरत करने वालों को चाहे जाने की आरजू कैसे होती है। तुम्हें पता नहीं है मां, नफरत होती इसलिए है कि मोहब्बत करने को जी करता है। हम जो जमीनों के पालने वाले हैं ना, हमारी फितरत में नफरत होती नहीं, डाल दी जाती है। और नफरत की रवायत ये है, कई बार हम इसलिए किसी को मार देते हैं क्योंकि हम खुद उसके हाथों मरने से डरते हैं। और मोहब्बत की रवायत यह है कि तुम्हारे हाथों मरने के बावजूद तुमसे नफरत किए बगैर अपनी लाश को अपने कंधों पर उठाकर जा रहा हूं मैं। साल साल रोटी नहीं खाते, नींद भी नहीं आती। शुरू शुरू में पुत्र नहीं आती पर मुबारका, इस तत्ते इश्क में बड़ी खराबी यही है जिसके लिए बंदा बगैर रोटी खाए सारी रात जागता है। वो बेपरवाह तीन टाइम का खाना खा के लम्मी ही तान के सो जाता है। तो पुत्र एक वक्त में इक्को ही काम कर, रोटी नहीं खानी तो सो जा। मुबारक चल मेरा पुत्र सो जा। मुबारका बस सो जा, सो जा। इश्क आया गया चला, एक दफा बोल दिया तो बोल दिया,
नहीं जाऊंगा मैं, और मैं क्यों जाऊंगा सोरा? जिसने मेरी मौत के सारे इंतजाम कर दिए थे उसकी जान बचाने क्यों जाऊंगा मैं? मैं कहती हूं माफ करना सीख बाली, माफ करना सीख। बाली फांसी से छुट भी जाए तो वली नहीं होता जोरा। इस नीम हकीम से बोल अम्मा, उस बदकिस्मत का इलाज बाली है। जोरा के दिल से पूछ खाला, जख्म को इलाज बोल दिया इसने। आंख लड़ जाए पुत्र जी तो आंख से लड़ाई नहीं होती, और तेरी तो आंख भी वहां लड़ी है मुबारक जो नहीं लड़ाई है। आप असल वली से बात करें बाजी, ये लड़ाई तो यावर कमाल की मौत तक चली। तो असल वलियों ने कमाल वलियों को जबान दी थी, और पिंड में दी हुई जबान शहर में बदली नहीं जाती। जबान की बात नहीं है बाजी, दिल की बात है, और दिल शुदा अपनी मर्जी करता है। तो ली पावल शोखिया, दिल का पुत्र असद वरियो कानून की वर्दी पहनता है, और दिल दिल के सारे करतूत बेकानून होते हैं। बात मुंह से निकल गई है बाजी, अब पूरी करनी है। शाबाशे मुबारक, शाबाशे। यावर कमाल को अपने हाथों से मारने का वक्त आ गया बाजी। मैं अगर तेरी बात मान भी लूं तो पुत्र जरा बैठ के सोच। और शोधिया, और तूने सियासत करनी है कि मत करनी है? अल्लाह, मुझे याद है यावर कमाल, मैंने कमाल वरियों को जबान दी थी, और जबान हमारे लिए नाम में रखे हुए तलवार होती है। यह तलवार उस वक्त नाम से निकलती है जब जबान देने वाला अपनी जबान से फिर जाए। आप महा के इनकार की बात कर रहे हैं? मैं उस तलवार की बात कर रहा हूं। इस बात को रहने दें असद वलियों साहब, मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी आबरू और वकार को किसी के इनकार की सूली पर चढ़ा दूंगा। यावर कमाल, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुमसे कहूं, जाओ तो तुम अपने बाप के नयाम से तलवार निकालकर मेरी जबान काट डालो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं सोच में पड़ गया हूं असद वलियों साहब, उस तलवार को नियाम से निकालकर किसी की जुबान काटूं या अपनी गर्दन काट लूं। Thank you.
तेरे रुसने की कसम है जोरा, बाली शोदे को मनाना नहीं आता, बाली से जान मांगना पर अपने मुंह से उसका नाम न लेना। उसके मरने से तुम्हें जिंदगी नहीं मिल जाएगी बाली। उसके मरने से तू भी मर नहीं जाएगी। एक इस बात की दुश्मनी है कि उसने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी थी। अपना तो कत्ल भी माफ कर देता हूं जोरा, पर तेरी तरफ कोई आंख उठा कर देखे, ये माफ नहीं करता। मैं पुत्र जी, मैं चिराग और तेरा चाचा जी। एक तो मैं आपसे तंग आ गया हूँ चाचा जी। आओ पुत्र जी, परेशानी में तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है, बंदा ऑल फॉल बकने लगता है। फोन क्यों किया है? और तुझसे इजाजत लेने के लिए पुत्र जी। मेरी इजाजत? देखे ना पुत्र जी, मैं मुबारक तेरा छोटा वीर है, तो अब तेरी परेशानियों का ख्याल रखना तो उसका फर्ज है ना। मेरी क्या परेशानी है? और सुना है असद वरियों के घर से तुम्हें जवाब आओगे? और इधर पुत्र जी, मैर मुबारक की आपकी एक समगेतर से हक लड़ गई है। चाचा जी, अब पुत्र जी तेरी इजाजत चाहिए बस। तू इजाजत दे तो मैं असद वरियों से बात करके तुझे मुबारक भेजूं। गुस्सा करके अल्लाह। ए भाई, जोरा तो परी है ना, कोई देखे तो मर जाए उस पर। वो चुपके से आ जाए तो फिर भी नहीं बोलोगे? ए भाई, जोरा आ जाए तो फिर भी नहीं बोलोगे? जोरा कहाँ है खाला? जोरा कहाँ है खाला? जिसे देखने गई थी वो तो आंख उठा के मुझे देख भी नहीं सकता। अब दुख उसके देखने का नहीं है, अब तो दुख उसे देखने का सोरा। ये तो ड्यूटी हुई ना मेरे चिराग साहब। ओ ना जी असद वरियो साहब, ना, ड्यूटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती। सबसे बड़ी ड्यूटी अपना अपने बच्चों की होती है। जिसको सोहनी के कच्चे घड़े की तरह पानियों के भंवर में उतरना भी है। तुम इकबाल हो? ना जी, सारा शहर जानता है कि मैं बस बाली हूं। आपसे मिलता हूं तो याद आता है कि इकबाल हूं। ये तो मेरे सब्र को ललकारना हुआ असद वरी साहब। तुम्हारा इस तरह बात करना मेरे सब्र को ललकारना है यावर कमाल। जब मैं उदास होती हूं तो
अपनी किताबों से बातें करने लगती हूँ। आप उदास क्यों होती हैं? मुझे मौत से बचकर पता चला जेलर साहब, कोई है जो मेरी जीने की दुआ मांगता है। दिल की बात न कर जोरा, उसे तो खैर की हड्डी पे खर्च कर रही है। मकर न कर जोरा। मकर तो करता है, जेलर की बेटी से मिलने के लिए मुझसे आग जलाने के बहाने ढूंढता है। बाली को ढूंढना पड़ता है जी। हाँ, बाली को ढूंढना पड़ता है। आप पाए ना, बड़े घट नजर लगते हो, तुमसे बाली पछाड़ा नहीं जाता। बड़े दिल वाले हो तुम।